हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको ब्लाउज की पाइपिंग बनाना बता रहे हैं। बहुत ही इजी ट्रिक्स है, वीडियो को फुल देखिएगा। ब्लाउज की पाइपिंग बनाने के लिए हमें उरीब कपड़ा लेना होता है, इस तरह का तिरछा कपड़ा जिसको हम ट्रायंगुलर बोलते हैं। वो शेप इस तरह की तिरछी होती है और खींचने पर बढ़ती रहती है, तो उसे हम उरीब बोलते हैं। इस तरह की हम सवा इंच की चौड़ी, मैं यहाँ पे पट्टी कटिंग कर रही हूँ, एक इंच की या फिर सवा इंच की इस तरह की पट्टी कटिंग कर लें। पट्टियाँ कटिंग करने के बाद हम उन्हें जॉइंट कर लेते हैं। और जॉइंट करने के बाद आगे की साइड को थोड़ा सा कट कर देंगे। अब जितनी हमारी डोरी की चौड़ाई है, एक सिलाई निकाल लेते हैं। देख लीजिए कि आपकी डोरी की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया, ये देखिए इस तरह से कि ये इतनी चौड़ाई हमारी डोरी की है, तो मुझे इतनी एक सिलाई यहाँ पे निकाल लेती है। थोड़ी सी फोल्ड करेंगे पट्टी को और लगभग एक पॉइंट जितनी हमारी इंची टेप में जो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट जितनी हमारी डोरी की चौड़ाई है, तो उतनी चौड़ी मैं यहाँ पर स्टिचिंग ले लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने स्टिचिंग ले ली है। अब पट्टियों को जोड़ करके और उसकी इस तरह से आप स्टिचिंग ले लें। आप देखिए स्टिचिंग, देखिए सिलाई जो है बस सिर्फ डोरी के जितनी इसकी चौड़ाई है। अब हम डोरी लेंगे और एक सुई लेंगे जिसमें फोर फोल्ड का धागा इंसर्ट किया हुआ है। डोरी का जो कॉर्नर है उसके अंदर सुई को, जो डोरी का मिडिल सेंटर है ना, बीच में डोरी के बीच के हिस्से में सुई को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से एक गांठ लगा देंगे। डोरी का जो नोक का हिस्सा होता है वहाँ पे इस तरह से आप गांठ लगा दीजिए। अब देखिए किस तरह से मैंने इसको गांठ लगा दी है, यहाँ से धागे को जॉइंट कर दिया है डोरी के, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे। अब हम इस धागे को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, सुई को उल्टी करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे हम इसके अंदर इसको इंसर्ट करते जाएंगे। उल्टी सुई को आप जैसे चलाते जाएंगे ये उसी तरह से अंदर जाएगी। अब देखिए जो धागा है ना, जब धागा अंदर जा रहा होता है थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है धागे को अंदर डालने के लिए, उसके बाद में ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अंदर इंसर्ट हो जाता है। अब इस तरह से धागे के पास से आप हल्का हल्का प्रेस करें, बस एक बार इंसर्ट करना थोड़ा सा हार्ड होता है, उसके बाद ये अपने आप, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए आप, यहाँ पे बहुत आसानी से यह धागा अंदर की ओर इंसर्ट हो जाएगा। एक बार आपने इस तरह से डोरी बना ली, डोरी वाली पाइपिंग बना ली, तो आपको ये तरीका बहुत ही आसान लगेगा और आप इस तरह से और बहुत आसानी से पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली मशीनों से इस तरह की बिल्कुल डोरी के पास में स्टिचिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पाइपिंग के बिना काफ़ी जो नेकलाइन है वो इतनी सुंदर नहीं लगती है जितनी हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डोरी वाली पाइपिंग तैयार कर ली है और अब हम किसी भी नेकलाइन पे इसे यूज कर सकते हैं। ये उरेप है, आप स्वीट हार्ट नेकलाइन बना सकते हैं, हार्ट शेप नेकलाइन बना सकते हैं, यू शेप, वी शेप, जो भी आपकी नेकलाइन का आकार हो वहाँ पे इस पाइपिंग को यूज कर सकते हैं। चूँकि ये उरेप में बनी हुई है तो ये फोल्ड होती रहती है, बहुत आसान है। इसके नीचे मैं लिंक दूंगी आपको, पाइपिंग लगाई कैसे जाती है तो वो भी आप देखिएगा कि पाइपिंग को तैयार करके और ब्लाउज पे कैसे लगाया जाता है, ब्लाउज की नेकलाइन पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको पाइपिंग तैयार करना बताया है, छोटी सी वीडियो है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। देखिए इस तरह से इंसर्ट हो गई ना धागा, तो अब जो दूसरी साइड आपको ओपन दिखाई दे रही है उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे, ये बिल्कुल पाइपिंग तैयार हो जाएगी। इसके बाद में हमें क्या है कि ब्लाउज पे लगाना होता है, किसी तरह से इसको फोल्ड भी नहीं करना होता है, दोनों तरह से ये सही बनाई हुई होती है और आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की मैं पाइपिंग बना करके रखती हूँ और जब भी अपने ब्लाउज पे
बेकनेक पे या फिर ब्लाउज की बाजू में लगाना हो तो हम आसानी से लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ में, एक नई डिजाइन्स के साथ में। थैंक यू।